हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू meals.menu.com। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी शेजवान वेज चाउमीन। ये चाउमीन की इंस्टेंट रेसिपी है, तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं शेजवान चाउमीन। शेजवान चाउमीन बनाने के लिए हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम करेंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें लंबाई में कटे हुए प्याज ऐड करेंगे और प्याज को एक मिनट के लिए सॉटे करेंगे। प्याज को एक मिनट सॉटे करने के बाद हम इसमें लंबाई में कटी हुई शिमला मिर्च ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें हरी शिमला मिर्च के अलावा लाल या फिर पीली शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें गाजर ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें लंबाई में कटे हुए पत्ता गोभी ऐड करेंगे। सब्जियों को हम हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकाएंगे। इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट के लिए इन्हें सॉटे करना है ताकि इनकी क्रंचीनेस और इनका कलर मेंटेन रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक इंस्टेंट नूडल की रेसिपी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करी हूँ चिंग्स का वेज हक्का नूडल्स। इसको मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ है, तो सब्जियों को सॉटे करने के बाद हम इसमें वो नूडल्स ऐड कर देंगे। अब हम इसमें बॉईल की हुई नूडल्स ऐड कर देंगे। शेजवान चाउमीन बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे चिंग्स की शेजवान चटनी। बस हमें इसमें 2 से 3 चम्मच चटनी को ऐड करना है ताकि ये स्पाइसी बन जाए। चटनी में ऑलरेडी सब कुछ इंक्लूड है, जैसे कि गार्लिक, ओनियन पाउडर, तो आपको इसमें कोई भी नमक या कोई भी मिर्च या कोई भी तरह के स्पाइसेस ऐड करने की जरूरत नहीं है। नूडल्स को थोड़ा मिक्स करने के लिए हम इसमें 2 से 3 चम्मच पानी भी ऐड कर सकते हैं और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि इसके फ्लेवर्स और अच्छे लगे। शेजवान चाउमीन अब बनके एकदम तैयार है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे एक बाउल में सर्व कर लेंगे। सिर्फ एक शेजवान चटनी डालने से ही इसका कलर इतना अच्छा आया है और इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होगा। गार्निशिंग के लिए हम स्प्रिंग ओनियन का यूज करेंगे और इस तरह से चाउमीन की गार्निशिंग करेंगे। आप भी इस इंस्टेंट रेसिपी को अपने घर में ट्राई कर सकते हैं और अपने पिक्चर्स हमारे ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।